अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन इन अस्मा डिजिटल वर्ल्ड। और आपको ये जो लंदन बैग नज़र आ रहा है, इसमें प्राइमार्क का स्टफ़ है। और हम गए थे शॉपिंग करने, आई थिंक मैं गई थी संडे को। मैंने प्राइमार्क से कुछ शॉपिंग की है और कुछ अपने ड्रेसेस और शूज़ वगैरह लिए हैं। चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्राइमार्क से इस मंथ क्या शॉपिंग की है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने वहाँ से एक ड्रेस लिया है और एक शर्ट ली है। ड्रेस ये है, इस पोल्का डॉट वन वाइट है और इसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी। ये वैसे मुझे देखते ही फर्स्ट साइट में ही अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लेते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर 3/4 स्लीव पहनती हूँ बाहर, और या फिर फुल स्लीव्स होते हैं, हाफ भी पहन लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं ड्रेस बाय करूँ तो उसके एटलीस्ट 3/4 स्लीव्स हों या फिर फुल स्लीव्स, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके 3/4 स्लीव्स हैं जो कि इस तरह से बने हुए हैं, और ये इस तरह के स्लीव्स आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में भी हैं और अच्छे भी लगते हैं समर्स में। और इसका राउंड इसकी नेक है, बैक इसकी इस तरह से है, वेरी लाइक नाइस। इसका डीप गला बिल्कुल नहीं है और ये ड्रेस जो है वो इस तरह से है। ये बॉडी है इसकी, और बस नीचे से ये इसका फ्लेयर जो है वो ऐसे है। और इसका जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और ये क्रश फैब्रिक है, और इस तरह का फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा इस समर में इन है। आई जस्ट लव दिस ड्रेस, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये है इसकी फुल लुक, लाइक वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। और अब मैं अब दिखाती हूँ कि मैंने शर्ट कौन सी ली है। और ये है शर्ट जो कि मेरी हिस्टोरिकल शर्ट है, इस तरह की जब भी प्राइमार्क में आती है मैं लाजमी लेती हूँ। और आई थिंक मैं कोई 6-7 सालों में, तो मेरे ये कोई फोर्थ टाइम मैंने इस तरह की शर्ट बाई की है। डिफरेंट कलर्स में आती हैं, फर्स्ट टाइम मैंने वाइट और ग्रे में ली थी, उसके बाद वाइट और डार्क ब्लू में थी, और ये वाइट और ब्लैक में है लाइन्स में, और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगती है। इस तरह की ऑलमोस्ट मेरे पास एक और भी है, लास्ट ईयर मैंने ली थी वाइट में, वो हाफ स्लीव में है। ये बहुत कंफर्टेबल रहती है घर में पहनना, और वैसे भी आप लूज ट्राउजर के साथ बाहर भी पहन सकते हैं। ये मैंने एक ले ली थी, और ये इस तरह की मुझे जब भी आती है प्राइमार्क में मैं लाजमी लेती हूँ। इस वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स, रियली लाइक्ड इट। इसके भी 3/4 स्लीव्स हैं, लूज बैगी शर्ट है ये, और इसका 10 साइज स्मॉल साइज है, और उसका भी स्मॉल साइज है ड्रेस का भी। और शूज़, मेरा दिल बहुत चाह रहा था इस दफ़ा इस तरह के शूज़ लेने का, क्योंकि ये शूज़ बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो मैंने देखा है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं। लॉन्ग जो मैक्सी ड्रेस होता है ना, जैसे मैंने अपने ईद शॉपिंग में आपके साथ शेयर किया था, वैसे भी जो मेरे पास लॉन्ग ड्रेसेस हैं मैक्सी ड्रेसेस, उनके नीचे ये वाले बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। मैंने भी सोचा चले मैं भी अपने एक लेती हूँ और इसको पहन के देखती हूँ, और फिर वो लुक मैं देखती हूँ कि मुझे कैसी लगती है। आई होप कि अच्छी लगेगी। मैंने ये इस तरह के वाइट कलर में ये ट्रेनर ले लिए थे, और ये मुझे मिले हैं 10 पाउंड में, और ये मैंने प्राइमार्क से लिए हैं। दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने एक और वैसे ही नॉर्मल शूज़ लिए हैं, जैसे डे टू डे वेयर करने के लिए बाहर, जैसे हम ग्रॉसरी करने जाते हैं या फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो इस तरह के काफ़ी कम्फी रहते हैं। मेरे पास सेम इस तरह के पहले भी थे, वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो एक नए ले लेते हैं, और ये सिर्फ 3 पाउंड में हैं। और ब्लैक, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ट्राउजर्स ब्लैक होते हैं, फिर मैंने ये वाले ले लिए थे, और वैसे भी यही थे वहाँ पर। ब्लू में, इसमें एक ब्लू कलर होता है, ग्रे होता है, लेकिन मैंने सोचा कि ब्लैक सबके साथ चल जाता है, और ये नॉर्मल डेली लाइफ में पहनने के लिए। और इस तरह के ये मैंने एक स्लीपर्स लिए थे, हाँ, क्योंकि हमारा प्लान है कहीं जाने का, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी अगर हमारा प्लान बनता, आई होप बनेगा इंशाल्लाह। और ये मैंने ले लिए थे एक स्लीपर्स जहाँ हम जाएँगे उसके लिए मुझे चाहिए थे, और बच्चों के भी अभी मैंने लेने हैं, उसका एक सेपरेट हॉल मैं शेयर करूँगी, जब बच्चों की चीज़ें बाकी लूँगी। और इसके अलावा मैंने प्राइमार्क से ये लिए थे कुशन कवर हैं ये, और ये मुझे मिले थे ऑफ़र में, क्योंकि ये 250 का था, ये सेल में लगे हुए थे, मुझे 1 पाउंड में मिल गए थे, 1 पाउंड में एक मिल गया था। मैंने फिर 2 ले लिए, क्योंकि मेरे पास कुशंस थे, उनके कवर ठीक हैं बिल्कुल, लेकिन कभी ये होता है कि आपने चेंज करने होते हैं, ये फिर मैंने ले लिए थे 2। और इसका कलर भी अच्छा है, न्यूट कलर है। और इसके अलावा मैंने एक जो है वो फिटेड शीट ली थी अपने बेड के लिए,
और ये है वाइट में और उसके ऊपर ग्रीन फ्लावर्स और लीव्स बने हुए हैं, और ये मुझे 850 में मिली है। ये है सुपर किंग साइज, क्योंकि जो बेड है मेरा वो सुपर किंग है, सो ये मुझे मिल गई है 8 pounds and 50 pence में। फिटेड शीट है ये, प्रिंटेड वन, और इसके साथ सेम जो है वो पिलो केसेस हैं। सो ये हो गया, और इसके अलावा जो है और मैंने क्या लिया था, हाँ और इसके अलावा हाँ प्राइमार्क से मैंने लिए थे बच्चों की कुछ चीज़ें, हाँ अभी मैंने दो अपने स्कार्फ भी लिए हुए थे क्योंकि मुझे स्कार्फ का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास सारे कलर में स्कार्फ हों, क्योंकि मुझे फिर मिस एंड मैच करके डिफरेंट ड्रेसेस के साथ लेने होते हैं, वैसे भी मुझे स्कार्फ बहुत अच्छे लगते हैं वेयर करना, सो डिफरेंट कलर्स के। और वैसे भी ये काफ़ी बड़ा स्कार्फ है, ये घर में भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए भी ले सकती हूँ, और ये मैंने मुझे ब्लैक कलर में एक स्कार्फ चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी था लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा वो स्टे नहीं करता सर के ऊपर, तो ये करेगा स्टे, तो ये मैंने ले लिया था, प्लेन है ब्लैक कलर और मुझे मिला था 3 pounds में, और ये भी प्राइमार्क से लिया था। और एक और मैंने स्कार्फ लिया है, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई कि मैंने स्कार्फ भी लिए हैं, और ये मुझे मिला है 4 pounds में, और इस तरह का सेम मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी जो कि मैंने अपने लास्ट समर हॉल में शेयर किया था। इस पर लाइट ब्लू कलर है मेरे पास, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप देख सकते हैं। सो इसी ये सेम ऐसा स्कार्फ है लेकिन ये बेज में है, और मुझे बहुत ही अच्छा कलर लगा था ये, और ये भी मुझे 4 pounds मिला है 4 pounds में, सो इट्स लाइक वेरी कम्फर्टेबल स्कार्फ टू वेयर। और इसके अलावा मैंने अपने लिए एक ये लिया था हाइड्रेटिंग बेस कोट है ये, फॉर लाइक इसके अंदर है विद मल्टी वाइटामिन कॉम्प्लेक्स एंड पोमग्रेनेट एंड मल्टी वाइटामिन कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, और ये है मॉइस्चर बॉम हाइड्रेटिंग बेस कोट। सो ये मुझे मिला था आई थिंक 150 में, 1 pound and 50 pence में था। और इसके अलावा ये है बीच शॉर्ट्स फॉर आयान, सो ये उसके लिए ये कलर थे क्योंकि वहाँ पे बहुत, क्योंकि सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, वहाँ से सब लोग हॉलीडेज पे जा चुके हैं या फिर जा रहे हैं, सो इसमें ये कलर था एक रह गया था, और एक जिस कलर में था उसमें उसका साइज नहीं था, रेड कलर था लेकिन रेड कलर ज़्यादा ही लग रहा था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा समरी कलर है। और इनाया के लिए भी एक मैंने बीच शॉर्ट्स लिए थे, मैंने सोचा था इसके साथ शर्ट मुझे नहीं मिल रही थी, वो सेल हो गई थी उसके साइज़ की, सो शर्ट मुझे नहीं मिली, मैंने सोचा चलो फिर इसके साथ कोई भी नया शर्ट जो है वो ले लेगी या फिर मुझे मिलेगी जाने तक तो फिर मैं ले लूँ। और ये है यान की शर्ट एक मैंने ली थी माइनक्राफ्ट की, क्योंकि उसको आजकल माइनक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा वो देखता है, सो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं, वैसे भी उसको अच्छी लगी थी, इसके ऊपर सिर्फ माइनक्राफ्ट का लोगो है और ये माइनक्राफ्ट लिखा हुआ है, वाइट में है, प्लेन शर्ट है, सो ये मुझे मिली थी 6 pounds में। और आपको पता है कि जितने भी करेक्टर्स की जो भी शर्ट्स और उनके होते हैं कपड़े वो ज़्यादा थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, सो वरना ये शर्ट मुझे प्राइमार्क पे मिल जानी थी 3 to 4 pounds में, शायद इससे भी कम मिल जाती, लेकिन ये 6 पे मिली है। और इसके अलावा रूहान की एक शर्ट ली थी मैंने, ये वाली ये है 130 में मिल गई थी मुझे 5 to 6 years। और इसके अलावा अयान की भी एक वाइट शर्ट ली थी सेम ऐसी ही उस शॉर्ट्स के साथ जो ऑरेंज वाले हैं, सो ये है, ये भी मुझे आई थिंक हाँ ये 180 में मिल गई थी प्राइमार्क से। और बस ये था प्राइमार्क का स्टफ़, और इसके अलावा मैंने कुछ सुपर ड्रग से शॉपिंग की थी, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरा शैम्पू वगैरह ख़त्म हुआ हुआ था क्योंकि तो मैंने सोचा कि अपना शैम्पू जो है वो मुझे देख के ही लेना होता ख़ुद। और ये है ये नया आया है आई थिंक लॉरियल का, क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉरियल के यूज़ करती हूँ, और इसके अलावा अगर कोई नया आया हो बूट्स में जो कि ज़्यादा उसके अंदर कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, वरना मोस्टली जो है मैं लॉरियल के यूज़ करती हूँ शैम्पूज़। और ये है कंडीशनर, और इसी के साथ इसका सेम जो है वो शैम्पू है, और ये है कर्ल एंड नरिशिंग शैम्पू, और इसके अलावा ये कलर ट्रीटेड हेयर के लिए है,
ड्राई एंड कर्ली हेयर, और नहीं ये कलर ट्रीटेड के लिए नहीं है, वो जो रेड वाला था वो कलर ट्रीटेड हेयर के लिए था। सो मैंने सोचा ये नया है, इसको ट्राई करके देखती हूँ। और यह डिफेंड एंड बाउंसी कर ड्राई एंड कर्ली हेयर, और इसके अंदर है आमला ऑयल। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो ये मैंने लिया था और ये भी ऑफर में मिल गया था मुझे, क्योंकि सुपर ड्रग में मोस्टली जो है वो लॉरियल के जो भी शैम्पूज होते हैं वो ऑफर में लगे होते हैं। सो वरना इसकी प्राइस आई थिंक 4 पाउंड तक होती है शैम्पू की, और कंडीशनर की भी सेपरेट 4 पाउंड 3 कुछ होती है, 4 पाउंड ही हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑफर लगी हो तो फिर आपको 2 पाउंड और 87 लाइक इस तरह से मिल जाता है। सो ये मैंने इसका ही सेम कंडीशनर और ये शैम्पू है, और इसके अलावा इसी का मैंने ये लिया है लिव इन कंडीशनर, क्योंकि लिव इन कंडीशनर भी मैं साथ लेती हूँ लाजमी, क्योंकि उसके बगैर जो है वो बाल आपके सही नहीं रहते। और ये भी इसके अंदर भी आमला ऑयल है, सेम इसी का ही है ऑयल इन मिल्क। सो ये मुझे नया लगा था वहाँ पे कि ऑयल इन मिल्क, सो इसको मैं ट्राई करूँगी फिर देखूँगी ये कैसा रहता है। वैसे तो इसके लॉरियल के शैम्पूज मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। सो इसी का शैम्पू कंडीशनर और ये है लीव इन कंडीशनर जो होता है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल। सो इसके अलावा बस, हाँ उसके अलावा मैंने अपना कलर लिया था क्योंकि मुझे कलर करना था बालों में, और ये है मैंने लिया है लॉरियल का ही लिया है 603 चॉकलेट कैरमल, और ये मुझे 6 पाउंड आई थिंक 7 पाउंड का ही ऑलमोस्ट बन जाता है। सो ये मिला था, और इसके अलावा हाँ ये बच्चों के मल्टीविटामिन, सो दैट्स इट। सो ये था मेरा प्राइमार्क हॉल और सुपर ड्रग हॉल, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला शैम्पू जो इसका नया आया है पर्पल वाला, ये आपको आपने से अगर किसी ने यूज़ किया है तो आपको कैसा लगा है, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा है। सो लेट्स सी, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हैव फन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।